दोस्तों बात करेंगे सुदृढ़ एनर्जी के स्टॉक के बारे में। जैसा कि दोस्तों फ्राइडे को आपने देखा कि शेयर के अंदर 1% का जो करेक्शन है वो देखने को मिला, एंड अभी के टाइम दोस्तों अगेन फिर से स्टॉक के अंदर हमें कंटिन्यू करेक्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि ब्रेकआउट के ऊपर गया था 82 एंड 81 के आसपास शेयर ने मतलब तेजी दिखाई थी, बट वहां से एक अच्छा ब्रेकआउट नहीं हो पाया। एंड उसके बाद आप देखोगे तो शेयर के रिलेटेड एक नेगेटिव अपडेट आई थी। कंपनी ने एक्सचेंज को सूचित किया था कि हमें ऑर्डर नहीं मिला, एंड 89 ने दोस्तों ये जो अपडेट चलाई थी ये झूठी थी। इसके बाद हमने देखा कि शेयर के अंदर कंटिन्यू गिरावट आई, एंड शेयर अभी ये टाइम 72 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। देखिए यहां से बड़ी रैली कब आएगी एंड कंपनी के क्वार्टर 2 के जो नए शेयर होल्डिंग पैटर्न डाटा है उसको कितना टाइम लगेगा, क्योंकि वो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि रिजल्ट से पहले जो रिजल्ट का आधा पार्ट है वही है जो डिसाइड करता है कि शेयर में आगे क्या होगा। क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छे आने होते हैं तो FIDI की कंटिन्यू होल्डिंग बढ़ती रहती है, बट अगर रिजल्ट के अंदर कुछ वोलेटिलिटी रहती है तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वही हमें कमजोर होते हुए देखने को मिलते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आए हैं या नहीं आए वो भी हम चेक करेंगे, रिजल्ट की डेट भी हम चेक करेंगे, एंड यहां से इंपॉर्टेंट कि रिजल्ट कैसे आ सकते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि अगर आपने कंपनी में भाई 1 साल पहले पैसा लगाया होता, जैसे कि मैं आपको कंटिन्यू यहां पे ये चीजें बता रहा हूं, जब शेयर भाई अराउंड 40 रुपये पे था या 35 पे था, तब से मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ कि क्या हो सकता है। एंड वहाँ पे मैंने जब बताया था लोगों को लगा था कि भाई नीचे मतलब यहाँ से नीचे गिरेगा अराउंड 20 एंड यहाँ पे 25 के आसपास चला जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड आप देख सकते हैं टाइम हमें ऑलमोस्ट 80 रुपये के आसपास तक के स्टॉक के जो नया हाई है वो देखने को मिले, एंड अभी भी सीन वही वैसा ही बन रहा है जैसा पहले था। लोगों को अभी भी लग रहा है कि 100 रुपये नहीं जाएगा, बट आगे क्या होगा ये आप देख लीजिएगा। जैसा कि डाटा अगर देखें पिछले 1 साल का रिटर्न शेयर का, तो ऑलमोस्ट 200% के जो शानदार रिटर्न है वो शेयर ने बनाकर दिया है। अब यहाँ पे देखिए अभी के टाइम चल क्या रहा है। देखिए मैंने आपको जैसा कि पिछले वीडियो में बताया कि Q2 के रिजल्ट आने वाले, रिजल्ट से पहले अभी के टाइम अगर हम वैल्यू देखें स्टॉक की तो थोड़ा सा ओवरबोर्ड है, यानी कि जो पी रेशो स्टॉक का वो यहाँ पे जो इंडस्ट्री पी है ऑलमोस्ट 100+ है, बट जो करंटली स्टॉक का पी है वो हमें 120-125 के आसपास जाता हुआ देखने को मिला था जब शेयर का जो प्राइस है 86 पे गया था। तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी आई, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी भी आई, तो उसकी वजह से जो नए इन्वेस्टर जिनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ उन्होंने सेलिंग स्टार्ट करी, तो यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है जो स्विच लोन में रिजल्ट से पहले मौका ढूंढे, जिनको कॉन्फिडेंस है कि रिजल्ट अच्छा आ सकता है। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो मुझे लगता है कि पी डाउन आएगा, एंड अगर पी डाउन आया तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, एंड वैल्यू के अकॉर्डिंग आगे हमें 100+ के स्टॉक की जो टारगेट है वो नजर आएंगे। तो मेन चीज देखिए अभी के टाइम अगर न्यूज की बात करूं मैं तो देखिए पहले इसका का जो पी है वो देखिए 116 का पी अभी के टाइम चल रहा है। तो 116 का पी यहाँ पे मतलब 1 रुपये मतलब कमाने के लिए हमें 116 रुपये लगाने पड़ेंगे, बट इस इंडस्ट्री में अगर आप देखोगे जो रिन्यूएबल एनर्जी की इंडस्ट्री है, चाहे विंड की हो चाहे आपकी किसी सेक्टर मतलब किसी भी दूसरे पार्ट की हो, तो उसमें पी हाई रहता है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी में लॉन्ग टर्म बेसिस लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनके जो स्टॉक है इनका पी हमेशा वैल्यू मतलब ज्यादा हाई मतलब महंगा रहता है। मेन चीज अगर देखें दोस्तों अभी के टाइम शेयर को लेकर न्यूज क्या है, तो देखिए कोई भी न्यूज नहीं है, एंड कल जो करेक्शन आया था वो भी कोई न्यूज बेसिस नहीं है। अगर हम ये समझे कि भाई कोई न्यूज नेगेटिव आ गई है इस वजह से गिर गया, तो कोई भी नेगेटिव अपडेट अभी के टाइम नहीं है। नहीं तो डरने की मुझे लगता है कि अभी के टाइम कोई जरूरत नहीं है, पैनिक नहीं होना चाहिए, एंड इसी गिरावट चलती रहेगी। एंड यहां से 72 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो उससे रिवर्सल आने का पूरा पूरा चांस शेयर का बनने वाला है। तो हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा यहां पे Q2 को लेकर जो अपडेट कंपनी ने अगर दिए होते मतलब यहां पे दिए होंगे, तो पहला हमारा है रिजल्ट डेट। तो रिजल्ट डेट हम चेक करते हैं यहां पे कि रिजल्ट को लेकर कंपनी ने कोई डेट दी है या नहीं दी है। तो जैसा कि आप देखोगे दोस्तों ये आपके सामने चीजें नजर आ रही है, यहाँ पे कल का डाटा है। देखिए कल हमने देखा कि कंपनी की जो यहाँ पे शेयर की वॉल्यूम है वो ठीक थी, यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 3 करोड़ 3.5 करोड़ के बीच की वॉल्यूम थी, जिसमें 245 करोड़ का कारोबार था। एंड सबसे अच्छी बात है कि शेयर की जो डिलीवरी है 52% की है। मेन इंपॉर्टेंट की रिजल्ट डेट क्या है, तो रिजल्ट को लेकर कंपनी ने कोई भी डेट अनाउंसमेंट नहीं करी है। अनाउंसमेंट होती ही मैं आपको अपडेट करूंगा। रिजल्ट डेट से पहले हमें कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अपडेट होते हुए नजर आएंगे, तो एक बार हम वो भी चेक करते हैं। तो जैसा कि अभी के टाइम देखोगे आप दोस्तों 74.40 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ से मेन चीज़ है कि भाई कंपनी की वैल्यू क्या है, मतलब देखिए वैल्यू हम किस अगर यहाँ पे जज करते हैं पी के अकॉर्डिंग, एक तो पी होगा, दूसरा आगे कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी उसको उसका कैसे पता चलेगा, कंपनी की ऑर्डर बुक, अगर ऑर्डर बुक अच्छी है तो डेफिनेटली आगे हमें स्टॉक अच्छा करता हुआ देखने को मिलेगा। एंड अभी के टाइम अगर आप देखेंगे 74 प्राइस चल रहा है, 109 का स्टॉक का पी यहाँ पे सजेस्ट करा स्टॉक स्कैनर पे, NSE की वेबसाइट भी 116 चल रहा था। मेन चीज़ बुक वैल्यू कंपनी की पहले नेगेटिव थी, पॉजिटिव आ चुकी है। अब यहाँ पे कई लोग क्वेश्चन ये खड़ा करते हैं कि भाई ये तो वापस से 5-6 रुपये चला जाएगा, रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो बुक वैल्यू आपकी पहले माइनस चल रही थी वो देखो पॉलिटी वाली, यानी कंपनी ने अपने एसेट्स इंक्रीज करे, कंपनी की वैल्यू बढ़ी है, तो इतना आसान नहीं कि शेयर नीचे जाएगा। एंड यहाँ पे आपकी जो कंपनी की प्रॉफिटेबल कंपनी अच्छी तरीके से हो चुकी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के स्टेबल है टाइम, तो ये सबसे अच्छी चीज है। एंड आगे फ्यूचर में जिस प्रकार कंपनी की बोर्ड मीटिंग वगैरह होती है डिविडेंड को लेकर क्वेश्चन खड़े किए जाते हैं, तो कंपनी कहती है कि भाई आगे हम सोचेंगे डिविडेंड को लेकर, तो मुझे लगता है कि आगे फ्यूचर में कंपनी डिविडेंड भी प्रोवाइड करवाएगी। मेन चीज आप देखिए यहाँ से गिरावट आई, कंसोलिडेट हुआ, एंड पिछली बार ने जैसा कि देखा था शेयर के अंदर कितना बड़ा कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला, आप देख लो कई रिटेलर्स को यहाँ पे बार किया गया, FI ने बहुत मोटी क्वांटिटी यहाँ पे उठाई, इसके बाद शेयर को डबल कर दिया। अब आप सोचिए तो यहाँ पे अगर आपने रखा होता थोड़ा सा पैनिक आपने झेला होता तो आपका पैसा डबल होता, बट मार्केट में जो लोग पैनिक मतलब पैनिक सिचुएशन से पैनिक होकर बाहर निकल जाते हैं उनको मुझे लगता है कि मार्केट में आने का भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये स्थिति चलती रहेगी। अभी के टाइम आप सोच रहे हो कि सुन लोन सो चला जाएगा, बट सोच से पहले मुझे लगता है कि थोड़ा सा पैनिक करेगा, जैसा कि करंटली पैनिक सिचुएशन चल रही है, रेड जोन आपको नजर आ रहा है। मेन चीज़ कंपनी डेट थ्री, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं, कंपनी अपने आपको कर्ज मुक्त घोषित कर चुकी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा आप देख लेते हैं कि कंपनी ने अपडेट किया, तो देखिए अभी के टाइम कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डाटा अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट करते मैं आपको बता दूंगा। कोई भी रिजल्ट को लेकर अपडेट आती है या कंपनी कुछ अनाउंसमेंट करती है, ऑर्डर होता है, कुछ भी होता है, अपडेट आते हैं
तो आपको डेली बेसिस हम यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेन चीज सब किसी भी कंपनी में मेन जो स्ट्रेंथ होती है उसकी रीड घटी होती है, वो होती बैलेंस शीट, यानी कि जितनी कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉग है उतना ही मतलब कंपनी में मजबूत स्थिति में कंपनी दिखेगी। मेन चीज अभी के टाइम जो कंपनी का रिजर्व है, पिछले मार्च के क्वार्टर में आपने देखा था कि 1199 करोड़ का पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का पॉजिटिव है। अब इस क्वार्टर में आप देखोगे कंपनी की जो यहाँ पे बैलेंस शीट है वो हमें अपडेट होती हुई नजर आएगी, इसमें भी चांस है कि कंपनी का जो रिजर्व है ऑलमोस्ट इस क्वार्टर में हमें यहाँ पे 1500 करोड़ प्लस देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी का कर्जा जो 150 करोड़ का बचा हुआ, ये मुझे लगता है कि जीरो हो जाए, एंड जो कंपनी के टाइम जो भी यहाँ पे मतलब जो कंपनी का इंटरेस्ट है वो पे करे ऑलमोस्ट यहाँ पे 45 करोड़ जो भी है वो कंपनी बिल्कुल जीरो हो जाए, तो यहाँ पे 45 करोड़ का प्रॉफिट बहुत ज्यादा बच जाएगा, जो कि अच्छी बात है। तो मेन चीज एसेट्स कंपनी की आप देख लीजिए कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, टाइम 7179 करोड़ के एसेट्स हो चुके हैं, जो कि पहले भी थे बट कंपनी लॉस करी, चीज़ें गलत हुई, कंपनी का शेयर गिरा, बट उसके बाद अभी के टाइम का जो रिवर्सल चला है ये बहुत ही अच्छा है, यानी स्टॉक को ऊपर तक लेके जाएगा। तो करंट सिचुएशन ऐसी है कि आपको मुझे लगता है कि 72 रुपये के स्टॉक लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए जो शॉर्ट टर्म वाले, जबकि लॉन्ग टर्म वालों को तो कोई दिक्कत नहीं, अगर डिप आता है तो अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो यहाँ पर ये चीज़ें टाइम नजर आ रही है। एंड रही बात मंडे की, तो मंडे के लिए कल एक प्रेडिक्शन वीडियो हम फिर से डाल देंगे, तो चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी छोड़ो ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको मिलते रहे।